कटनी जिले में पिछले दो दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण शहर में कई स्थानों में जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई। वहीं शहर के अंदर सड़कों व पुलियों में भी पानी भर जाने से आवागमन भी मानो कछुआ की चाल से हो रहा है। कटनी के बरगवां से मिशन चौक तक जाने वाला रास्ते में गाड़ियों की लंबी कतारें दिखी। कटनी से NKJ की तरफ जाने के वाले रेलवे पुल पूरी तरह पानी से भर गया है, जिससे दो पहिया वाहन नहीं निकल पा रहे हैं। वहीं मिशन चौक से माधवनगर की तरफ आने के रास्ते में जो सागर पुल है, उस पुल के नीचे भी पानी लबालब भरा हुआ है, जिससे यहां भी लोगों को निकलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कटनी में पिछले दो दिनों में रुक रुक कर बारिश से सभी निचले क्षेत्रों में जलभराव की संभावना बनी हुई है, लेकिन कटनी नगर निगम के अधिकारी है कि शहर की गली पुल व क्षेत्रों में जलभराव की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे। संवाददाता कटनी हीरा विश्वकर्मा। क्या दिक्कत है यहाँ से आप गाड़ी पैदल ला रहे? पानी खूब भरा हुआ है पुलियों में। तो और क्या होगा, सिलेंसर में पानी भर गया क्या? हाँ, चालू नहीं हो रही। कहाँ से आओ, क्या नाम है, कहाँ जा रहे थे? मैं तो ससुराही से आया हुआ हूँ, कटनी जाना था, थोड़ा काम था। क्या नाम है आपका? अमित पांडे। क्या गाड़ी बंद हो गई आपकी, क्या कारण से गाड़ी बंद हो? हम लोग आ रहे थे, पुलिया पानी आ गया था, इसके वजह से सिलेंसर पानी भर गया, गाड़ी बंद हो गई। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे आप? डायरेक्ट ऐसे कटनी आ रहे थे, काम के लिए आ रहे थे। क्या नाम है आपका भैया? क्या होगा, गाड़ी बंद है आपकी? गाड़ी बंद नहीं, पानी बंद हो गई। क्या सिलेंसर में पानी भर गया क्या? कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे आप लोग? कोलारिया से आ रहे हैं, ड्यूटी जा रहे हैं।